अस्सलामवालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुटिश डाइन। आज की मेरी रेसिपी है धाबा स्टाइल चिकन करी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन से आप बराबर से अपडेटेड रहें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है। मैं इसमें नियरली 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल की ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से धुआं निकलने लगे, तब तक इसको हम गरम होने देंगे ऑयल को। ऑयल के गरम होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 5 मीडियम साइज्ड ऑनियंस, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और उसके साथ ही मैंने चॉप किया था 1 इंच जिंजर का टुकड़ा और 5-6 गार्लिक क्लव्स, गार्लिक के जौए, और साथ ही मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज, इस सारों को ऐड करके चॉप किया था। और इसको हम अब लाइट ब्राउन सी कर लेंगे प्याज को। देखिए यहाँ पर अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई है अनियन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 roughly chopped टोमेटो, आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 ऐड किया है यहाँ। अनियन के ऐड करने के बाद मैं इसमें नियरली 1/2 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी नियरली 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और साथ में ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही धनिया का पाउडर। अच्छे से सॉटे कर लेंगे इसको। जैसे ही ये सॉटे हो गए सारे मसाले, मैं इसमें ऐड कर दूंगी नियरली 150 ग्राम्स कर्ड। देखिए मैंने इसे ऐड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दूंगी। देखिए दही अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नियरली 650 ग्राम्स चिकन। मिक्स कर देंगे चिकन को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी अब, और इसको कवर करके धीमी फ्लेम पर छोड़ दूंगी जब तक ये टेंडर ना हो जाए। और यहाँ देखिए मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैंने इसमें ऐड किया था नियरली 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, उसी से ये कलर आया है। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नियरली 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1/2 बंच पुदीना, और फुल 1 बंच मैंने कोथमीर के भी ऐड किए थे, वो भी मिस हो गया है मुझसे। ये हमारा चिकन करी ऑलमोस्ट डन है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ प्लेटर में। बहुत ही डिलीशियस बना है ये। मैंने इसे सर्व कर दिया है, कितनी टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है डिश। आप भी इसे ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।